हेलो गाइस वेलकम टू सी थ्री स्टडी ग्रुप आज हम बात करेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में जिसके के चेयरमैन है जस्टिस एस ए बोबड़े और इसकी शॉर्ट फॉर्म है नालसा जस्टिस एस ए बोबडे जी ने कहा है कि नेयरली 11,000 थाउजेंड प्रिजनर्स जो कि अंडर ट्रायल पे थे उनको रिलीज कर दिया गया है इसके पीछे का रीजन क्या है और नालसा की कंपोजिशन क्या होती है और और इसकी क्या-क्या ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? है, हम इस वीडियो में में इसके बारे में बात करेंगे। so guys, let's start. तो लीगल ने प्रिजनर को रिलीज किया है जो कि अंडर ट्रायल पे थे। इसका मेन रीजन है कोविड-19 अगर हम इस पिक्चर में देखें, तो इंडिया में जो आज तक टोटल इस ग्राफ से देखें तो इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो डे बाई डे इनक्रीज कर रहे हैं और दूसरी साइड अगर हम वर्ल्ड वाइड की पिक्चर देखें तो यू स्पेन इटली और जर्मनी में तो हालत काफ़ी खराब हो चुकी है तो इन सभी को देखते हुए नालसा ने जो डिसीजन लिया है कि जितने भी प्रिजनर जो अंडर ट्रायल पे थे उनको रिलीज किया जा सके ताकि कोरोना वायरस का खतरा जो है वो जेलों में ना फैल सके तो ये नालसा का बहुत बड़ा डिसीजन है सबसे पहले बात करते हैं नालसा के बारे में नालसा जो बॉडी बनाई गई थी ये बनाई गई थी नाइन्थ नवंबर 1995 अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एटी सेवन इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू दिकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका मेन काम है जितने भी विकर सेक्शन से लोग बिलोंग करते हैं उन सभी लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना अगर हम एम के बारे में बात करें तो इसका एम है इज टू सिक्योर जस्टिस उन सभी लोगों को देना जो कि इकोनॉमिकली एंड अदर डिसेबिलिटी के कारण वीक हैं। अगर हम ऑफिशियल लेटर की बात करें नालसा की तो उस न्यूज लेटर का नाम है न्यायदीप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायदीप न्यूज लेटर अगर हम कंपोजिशन की बात करें नालसा की तो एज पर सेक्शन थ्री ऑफ टू ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेल वी इन चीफ जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं आज के टाइम पे जस्टिस एस ए बोबड़े वो इसके चेयरमैन हैं और दूसरा सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे तो आज के टाइम पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन वी रामना तो अब हम बात करते हैं नालसा के इम्पोर्टेंट फंक्शन की सबसे पहले फंक्शन जो है इसका इट ऑर्गेनाइज लोक अदालत तो लोक अदालत 1982 में सबसे पहले गुजरात में बनाई गई थी और उसके बाद जब ये बहुत अच्छा फंक्शन कर रही थी तो 1987 में इसको एक स्टेटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया और 2002 में इसको एक परमानेंट स्टेटस भी प्रोवाइड कर दिया गया था दूसरा फंक्शन अगर देखें नालसा का इट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मार्जिनलाइज एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप एंड फॉर्मुलेट्स वेरियस स्कीम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीगल सर्विसेज प्रोग्राम तो ये क्या करती है कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूटिव ग्रुप होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करती है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लीगल सर्विसेज प्रोग्राम भी चलाती है तीसरा फंक्शन क्या है इट प्रोवाइड लीगल एड इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स टू द पीपल हु बिलोंग टू पुअर एंड मार्जिनलाइज एंड नासा और क्या करती है इट प्रोवाइड फ्री लॉयर्स जितने भी केसेस सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स से बिलोंग करते हैं जैसा कि सेंट्रल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम कर रही है वैसे ही हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम कर रही है तो स्टेट लेवल पे क्या होता है कि ये अथॉरिटी जो भी पॉलिसीज एंड डायरेक्शन जो नालसा प्रोवाइड करती है वह इसको फॉलो करती हैं एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आल्सो प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर पीपल एंड आल्सो कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट अगर हम चेयरमैन की बात करें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो स्टेट की है उसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ डेट कोर्ट जो भी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे तो गाइस जो नालसा है वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम कर रही है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम कर रही है और ये तीनों ही लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत आती है नाइनटीन और इसका मेन काम क्या है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी लीगल सर्विसेज एंड प्रोग्राम को अप्लाई करती है और इसके जो चेयरमैन होते हैं जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे वही इसके चेयरमैन होंगे तो गाइस नालसा हो गया और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये तीनों को क्यों बनाया गया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टी नाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बताता है कि एवरी स्टेट शेल सिक्योर डेट देशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस ऑफ इक्वल ऑपरचुनिटी एंड शेल इन पार्टिकल प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाई सुबलेशन और स्कीम और इन एनी अदर वे एंड टू एनश्योर डेट अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नो डिनाई टू एनी सिटीजन बाई द रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिबिलिटी आर्टिकल फोर्टीन एंड ट्वेंटी क्या बताता है हमें स्टेट टू एंश्योर इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑन द बेसिस इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट एंड इक्वल जस्टिस इज मेड अवेलेबल टू दुअर डाउन ट्रोडन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो इन दोनों आर्टिकल के तहत ही ये तीनों अथॉरिटीज बनाई गई हैं तो गैस ये था तीनों अथॉरिटी के बारे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तो गाइस कमेंट में बताना जी आपको लेक्चर कैसा लगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप यू आर ऑल वेल थैंक्स थैंक्स अगेन